हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक। मैं चैलेंज शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं एसी टेक के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये उन मैकेनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो वैक्यूम पंप लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक वैक्यूम पंप की अनबॉक्सिंग। इसके बाद मैं करूँगा उसकी जो बेनिफिट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम जो उस वैक्यूम पंप है इसका जो ऑयल चेंजिंग प्रोसीजर है वो किस तरह से करना है उसके बारे में हम देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इसकी जो प्राइस क्या है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने वैक्यूम पंप क्यों नहीं दिखाया, या आपके आगे जो बैग पड़ा है इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जो वैक्यूम पंप है उसका मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगा वो है उसकी कॉम्पैक्टेबिलिटी, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो जो मेरा ये टूल बैग है आप देख सकते हैं, ये मेरा टूल बैग है। ओके, ये टूल बैग मैं कैरी करता हूँ एयर कंडीशनिंग के काम के लिए, और जो वैक्यूम पंप है इजीली इस टूल बैग के अंदर फिट हो जाता है, और इसके ऊपर की जो ये जगह बैठती है इसमें हम और भी टूल्स रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ट्रैवल करते हैं बैग के साथ, या कहीं ट्रैवल करके आपको जाना है, तो आपको ये बैग और ये जो वैक्यूम पंप है छोटा होने की वजह से ईजिली हम इसे कैरी कर सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर, ये देखिए ये पूरा बॉक्स के साथ ही बैठ जाता है, मतलब आपको कुछ ऑयल वगैरह गिरने की प्रॉब्लम आएगी नहीं जल्दी। इसे निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो फ्रेंड्स ये बैग मैं रख लेता हूँ साइड में। ये देखिए मेरा टूल बैग है, ये हेवी कंपनी का है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है वैक्यूम पंप। तो आप देख सकते हैं ये टोटल लाइन कंपनी का है वैक्यूम पंप, और ये जो टोटल लाइन कंपनी है डिवीजन ऑफ कैरियर है ये। तो कैरियर एक बड़ी कंपनी है, उसका एक डिवीजन है टोटल लाइन कंपनी। ओके, तो ये वैक्यूम पंप की हम बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है VP115, और इसका जो वेट है वो है ओनली 4 kg। ओके, और इसकी जो पावर इनपुट है वो 14 HP की मोटर है, 220 volt पे चलता है, और ये सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप है जो हम नॉर्मली हमारा फ्रिज और 1 टन 2 टन के AC के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं डोमेस्टिक वर्क ही करता हूँ, इसीलिए मैंने ये पंप लिया है। मैं बड़ा 2 stage का भी ले सकता था, लेकिन क्या है वो कैरी करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने सिंगल स्टेज का पंप लिया है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमने शॉप में ओपन कर दिया था वैक्यूम पंप, तो अभी हम इसे आपके सामने वापस ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, और ये वैक्यूम पंप के पार्ट्स कौन से हैं। तो इसके अंदर एक है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटल लाइन का जो है मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल। इसमें बहुत सारी मेन चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप है, इसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद में जो इंटरनल पार्ट्स है, टेक्निकल ड्राइंग बनाया हुआ है उसके, और इंटरनल पार्ट्स के भी नाम लिखे हैं। ओके, तो ये वैक्यूम पंप का जो मैनुअल है इसे हम साइड में रख लेते हैं, और इसके बाद में एक मिली हमें ये बॉटल। तो आप जब नया वैक्यूम पंप लेते हैं तो उसके अंदर ऑयल हाफ ही होता है और इसके अंदर आधा होता है, तो आपको नया वैक्यूम पंप लेने के बाद में जो इसका ऑयल है वो ऐड करना पड़ता है वैक्यूम पंप में, उसके बाद ही हम इसे ट्रायल ले सकते हैं। तो एक्चुअली शॉप में मैंने जब ये बाय किया तो वहाँ पे मुझे ट्रायल लेना था, इसलिए मैंने ये जो वैक्यूम पंप का ऑयल है इसके अंदर पहले ही डाल दिया है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से डालना है और कहाँ से डालना है। ओके, तो ये भी बॉटल में साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे। तो अब फ्रेंड्स हम लोग निकलते हैं हमारा वैक्यूम पंप। ये देखिए ये हमारा वैक्यूम पंप है। ओके, तो आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट है एकदम, इसमें डाल देते हैं अंदर। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसके पार्ट्स कौन से और फिटिंग्स कौन सी कैसी किस तरह से दी हुई है इसमें। ओके, तो ये अपना स्टैंडर्ड 5 ampere का सॉक प्लग है। ओके, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एग्जॉस्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के लिए ये दिया हुआ है। यहाँ से ये इनलेट पोर्ट है, ये पोर्ट की मैं आपको साइज बताऊँ तो ये है 1/4 की, जो हमारी नॉर्मल चार्जिंग लाइन होती है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सिस्टम से, वहाँ से आएगी सिस्टम से यहाँ कनेक्ट होगी, वैक्यूम करेगा और यहाँ से ये एग्जॉस्ट कर देगा बाहर जो सिस्टम की एयर है वो। ओके, ये हैंडल दिया हुआ है इसे कैरी करने के लिए। उसके बाद में ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ब्लैक कलर का, यह है कैपेसिटर बॉक्स। कैपेसिटर बॉक्स में यहाँ पे एक स्विच भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप
ये ऑन और ऑफ का स्विच है, पंप को ऑन और ऑफ करने के लिए ये स्विच यूज कर सकते हैं हम। ओके, इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल लेवल, ये दिख रहा है आपको, ये जो ऑयल लेवल है ये हमेशा ये जो सेंटर मार्क है इसके थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। ओके, आप नीचे साइड देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये है इसका ड्रेन पोर्ट। यहाँ से अगर हम ये ड्रेन ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से तो जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा और हमें जो नया ऑयल है वो यहाँ से इन करना है। ओके, और इसके बाद आप पीछे देख सकते हैं इसके फैन है, नॉर्मली ये जो फैन कूल्ड होते हैं इसलिए यहाँ पे पीछे फैन दिया होता है, छोटे जो सिंगल स्टेज डबल स्टेज के इस तरफ के जो फैन ये आते हैं वैक्यूम पंप, उनमें यहाँ पे फैन दिया होता है ये। ओके, नीचे बेस में आप देख सकते हैं रबर लगा हुआ है ताकि इसे रखने में आसानी हो और ईजी है, वाइब्रेशन भी कम हो। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गए इसकी सब स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। ये जो है ये है 1.8 CFM का वैक्यूम पंप है ये, इसका मॉडल नंबर VP115 और इसके जो मोटर की पावर है वो है 14 HP जो 200 से 240 वोल्ट तक चलती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो बेनिफिट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पहले मेरे पास एक कंप्रेसर था, उससे ही मैं वैक्यूमिंग करता था, लेकिन उसमें क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी और अभी आप देख सकते हैं कि आर 400 410 और आर 600 आर 290 ये सब में जो है वैक्यूम बहुत ज़रूरी है, इसके वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये डिसाइड किया कि वैक्यूम पंप अभी लेना चाहिए और इसीलिए मैंने ये वैक्यूम पंप लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में अभी आपको बताऊं तो इसकी ऑयल चेंजिंग की जो प्रोसीजर है वो इस तरह से, जो हम ये जो ड्रेन प्लग, जैसा मैं आपको पहले भी बताया था ये ड्रेन प्लग ओपन करके आप ऑयल निकाल सकते हो, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊं तो जब आपको ऑयल चेंज करना है उस टाइम पे आपको थोड़ा देर इसे चलाना होगा पंप को, क्योंकि चलाने से क्या होगा, ऑयल गर्म होगा और जो भी पार्टिकल्स है अंदर, है ना, जो भी पार्टिकल्स है वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स नीचे बैठे होंगे, आप यहाँ से ड्रेन कर देंगे तो जो पार्टिकल्स है वो अंदर ही रह जाएंगे और जो नया ऑयल डालेंगे आप उसके अंदर वो पार्टिकल जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप इसे जब भी ऑयल चेंज करेंगे तो आप थोड़े देर इसे 5-10 मिनट चलाइए, उसके बाद में ड्रेन कीजिए ऑयल और फिर नया ऑयल वापस ऐड कीजिए। तो आपको नया ड्रेन तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए ये ओपन करते ही सब ऑयल नीचे ड्रेन हो जाएगा और ड्रेन करने के बाद आपको जो ऑयल है ये कैप यहाँ से ओपन होता है इजीली। ओके, यहाँ से आप वो ऑयल जो है वो डाल सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मली 250 ग्राम्स ऑयल जाता है। ओके, तो आप वैक्यूम पंप का ऑयल कोई भी शॉप में जो एयर कंडीशनिंग की शॉप है वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ से आप ऑयल ले सकते हैं। ओके, और अभी मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो वैक्यूम पंप लेने वाले हैं या जो एसी मैकेनिक्स हैं उनके साथ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।